जनता की आवाज, मन की बात, जनता के साथ हमारा राजस्थान न्यूज पर देखिए। नमस्कार, जनता की आवाज़ कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं बीरवाना ग्राम पंचायत में। यहां के पूर्व सरपंच श्रीमान ओम प्रकाश जी गैदर साहब, इनसे हम बातचीत करते हैं। हम आपको बता देते हैं, ओम प्रकाश जी गैदर साहब अपने कार्यकाल में सूरतगढ़ विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ सरपंच रह चुके हैं। तो हम इनसे जानते हैं, इनसे ये पहला सवाल यही करते हैं कि आपने 38 ग्राम पंचायत में सबसे बेस्ट का अवार्ड आपने लिया, ऐसा कौन सा आपके हाथ में जादू था, ऐसा कौन सा आपने कार्य किया था जिसके तहत आपको 38 ग्राम पंचायत के सरपंचों को, 38 सरपंचों को छोड़ के आपको मिला? ये तो ग्राम पंचायत बीरमाना पंचायत समिति सूरतगढ़, हमने ऐसा कोई जादू नहीं किया। जनता का हमारे प्यार मिला, हमने जनता को साथ लेकर काम किया और प्रत्येक जन को ध्यान में रखते हुए हमने उनका, हमने 15 सालों से पीछे से जो हमें कमी महसूस हो रही थी उसमें ध्यान में रखकर हमने काम किया। और ग्राम पंचायत में पिछली ग्राम पंचायत थी हमारी, तो हमारी ग्राम पंचायत में 3 बड़े गांव थे और 29 राजसूचक थे। तो हमने 29 ग्राम पंचायतों में 15 नए चक जो कि आबाद नहीं थे उनको हमने राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करवाए। 24 राज्य सरकार द्वारा हमने सरकारी स्कूलों के आवंटन करवाए, भूमि आवंटन करवाई और शमशान भूमि, अड्डा रोड़ी, खेल मैदान, ये हमने विशेष तौर से विशेष ध्यान दिया। सार्वजनिक तौर पर हमने बहुत विशेष ध्यान देकर लोगों का मान भावना के अनुसार हमने काम किया। और पूरी तहसील के क्षेत्र में हमने हर विभाग में जाकर पर्सनल मिलकर हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हमने अच्छा काम कराने का प्रयास किया। सभी लोगों की हमने भावनाओं को ध्यान में रखकर काम किया, तो हमने सभी पूरी तहसील में हमने बहुत प्यार मिला। उस प्यार का हमें नतीजा है कि आज हमें ग्राम पंचायत बीरमाना को सूरतगढ़ तहसील में 38 ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ सरपंच का हमें पुरस्कार देकर हमें सम्मानित किया गया। जी, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे जनता का कहना है कि आप जब सरपंच थे तो आपके कार्यकाल में पुलिस केस आपके गांव में बहुत कम हुआ, यानी पुलिस की गाड़ी आपके गांव में बहुत कम आई। और आपके राजस्थान में अगर कहा जाए तो पुलिस जिस गांव में कम आती है उसको यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आपके यहाँ पर पुलिस कम आने के कारण नतीजा क्या है, किस वजह से, ऐसा कौन सा आपने जादू कर रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड भी आप लेके आए, आपके गांव में क्राइम भी नहीं बढ़ रहा था, क्या वजह थी? जी, ये तो गांव में छोटे मोटे आपसी में लड़े झगड़े होते रहते हैं, तो हमने एक ही प्रयास से जब सरपंच बना 2010 के अंदर, तब से हमें एक ही ठान रही थी कि गांव में पुलिस को बहुत कम आने देंगे। और गांव वालों से बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे कोई किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो हम गांव के बैठ के सलटाएंगे। और हमने यही प्रयास किया और पूरे क्षेत्र को हमने गांव में बैठ कर उनको सलटाने का प्रयास किया और पुलिस तक जाने नहीं दिया। तो ये गांव के लोगों को हमारे पर विश्वास हुआ और हमने हमारी बात मानी। और जैसे जिस तरह से कोई लंबा चौड़ा ऐसा कोई पुलिस केस की प्रक्रिया नहीं चली और ये पूरी तहसील के अंदर हमारा ऐसा गांव था जो पुलिस केस में सबसे नीचे कस्तर था। आपके कार्यकाल में बीरवाना और हरदास वाली एक ही पंचायत थे, आपने ऐसे विकास के कार्य कौन कौन से करवाए जो बीरवाना और हरदास वाली दोनों पंचायत क्षेत्र जो अभी अलग है और उस टाइम एक थे और उन दोनों को फायदा हुआ? हमने सर्वप्रथम तो पंचायत में ज़्यादा चक थे जो आबाद नहीं थे और स्वीकृत नहीं थे,
उनको हमने सर्वप्रथम सभी चक्कों को 15 चक्के स्वीकृत करवाए और 24 हमारे पंचायत में स्कूल थे। देखो एक सीनियर स्कूल था, 8 स्कूल थे उच्च प्राथमिक और बाकी स्कूल थे प्राथमिक। सभी स्कूलों की हमने भूमि आवंटन कराई राज्य सरकार द्वारा और प्रत्येक चक को पक्की सड़क से जोड़ने का हमने प्रयास किया। हमारी पंचायत में 9 डामर सड़क से गांव गांव को जोड़ा गया और हमने 116 ऐसे रासो काम थे जो कि रासो के काम थे जो भूमि आवंटन कराई, जैसे स्कूल है, अड्डा रोड़ी है, खेल मैदान है और सार्वजनिक के तौर पर हमने आंगनबाड़ी है उनके लिए भूमि आवंटन करानी है, जैसे हमने यह प्रयास किया जी। तो आपके अब ऐसे कौन से कार्य बाकी रह गए जो आप सरपंच रहते हुए आपने कार्यकाल में कार्य काफ़ी बहुत ज़्यादा करवाए, लेकिन कई कार्य ऐसे जो बाकी रह गए हो जो आपके मन में आज भी है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो मैं अभी भी करवाना चाहता हूँ? हमारे सरपंच रहते हमने 2011 में बीरमाना ग्राम पंचायत में मंडी यार्ड का हमने जो प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को भेजा था जो कि वो अब विधायक जी द्वारा अभी 2016 के अंदर हमें मंडी का यार्ड मिल गया है, उनके लिए हमें भूमि आवंटन करा रहे हैं। ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रयास था और इस क्षेत्र में हमारे बीरमाना ग्राम पंचायत के क्षेत्र में ऐसी भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है और हमने पिछले 5 वर्षों से प्रयास कर रहे थे, अब 3 वर्ष हो गए हमें प्रयास कर रहे हैं, अभी तक ये हमारा कार्य अधूरा पड़ा है क्योंकि ये राजस्व रिकॉर्ड में नहीं था और लोग उस पर काबिज थे और ये भूमि के लिए हमें बहुत प्रयास कर रहे हैं। अब हमें आगे प्रयास है कि आने वाले समय में ये हम पूरा करा के ही रहेंगे। आपका क्या विचार है आगे वाले, जैसे कि चुनाव का माहौल आएगा, अभी आ रहा है विधानसभा चुनाव है, उसके बाद में सरपंचों के चुनाव होंगे, सरपंचों के अगर यहाँ पर आपकी ओबीसी या जनरल सीट आ जाती है तो आप क्या यहाँ से चुनाव वापस लड़ना पसंद करेंगे या जनता में जैसे आज भी जनता की जो सेवा कर रहे हैं वैसे सेवा ही करें? हमारा प्रयास जनता की सेवा करना है, कैसी भी हो, सरपंच रह के करें, बाहर रह के करें, और ये हमारा कोई धैर्य नहीं है कि हम सरपंच बन के ही कम कार्य करें। जनता की जैसी भावना होगी वैसे ही हम प्रयास काम करेंगे और आगे करते रहेंगे। नहीं तो हमारा सवाल ये था कि आप आगे सरपंच बनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? ये हमारे कहने से सरपंच नहीं बन सकते जी। ये जनता की भावना है, जनता जैसे चाहेगी हम वैसे ही करेंगे, जो जनता हमें प्रतिवार सौंपेगी उस पर हम खरा उतरेंगे। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।